हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार को धमकाने पर डीएम ने क्या दी सफाई। राहुल गांधी के खिलाफ कहां दर्ज हुई एफआईआर। गैंगरेप पीड़िता के अंतिम संस्कार पर महिला आयोग ने पुलिस से मांगा है जवाब। हाथरस मामले से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 हाथरस पर सियासत। हाथरस की गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। राहुल और प्रियंका पर पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप है। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक वन थाने में राहुल प्रियंका समेत 153 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। हाथरस जाने से रोके जाने पर राहुल गांधी ने सीएम योगी पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा, सच कब तक छिपाओगे और कितनी बेटियां चुपके से जलाओगे, अब देश की आवाज न रोक पाओगे, भारत की बेटी को न्याय दिलाना है। हाथरस की गैंगरेप पीड़िता को धमकी देने का ऑडियो वायरल होने पर डीएम प्रवीण कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि हमने पीड़ित परिवार के 6 सदस्यों से मुलाकात की है और उनसे 1.5 घंटे तक बातचीत की है। मेरे और परिवार के बीच जो वीडियो चलाया जा रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। हमने परिवार को भरोसा दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हाथरस गैंगरेप मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी, एडीजी और हाथरस के डीएम और एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 12 अक्टूबर तक मामले की रिपोर्ट जमा करने को कहा है। हाथरस गैंगरेप पीड़िता का रात में अंतिम संस्कार करने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी के डीजीपी से जवाब मांगा है। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि पुलिस बताए कि पीड़िता के अंतिम संस्कार करने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी। हमें रिपोर्ट मिली है कि पीड़िता के परिजनों की गैर मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार रात 2:30 बजे किया गया। हाथरस मामले पर यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के बयान से केस में नया मोड़ आ गया है। प्रशांत कुमार ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में पीड़िता के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है, बल्कि मारपीट के दौरान गहरी चोट लग जाने से उसकी मौत हुई है। कुछ लोगों ने जातीय तनाव फैलाने के लिए इस केस को गलत तरीके से पेश किया। हाथरस गैंगरेप पर बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने पुलिस से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। माधुरी दीक्षित ने कहा है, मैं पीड़िता के परिवार के लिए प्रार्थना करती हूं और आशा करती हूं कि पुलिस आरोपियों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई करेगी, जिससे अपराधियों में डर पैदा होगा। यूपी में महिलाओं के खिलाफ घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हाथरस और बलरामपुर के बाद भदोही में भी एक नाबालिग लड़की का सिर कुचलकर हत्या की वारदात सामने आई। भदोही के एसपी ने बताया कि आपसी रंजिश में 3 युवकों ने लड़की की खेत में बेरहमी से हत्या की थी। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में अभी तक रेप की पुष्टि नहीं हुई है। यूपी के हाथरस और बलरामपुर के बाद मेरठ में भी नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने बच्ची को घर में अकेला पाकर उसके साथ रेप किया। बच्ची के चिल्लाने पर मोहल्ले के लोग जुट गए, जिनको देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी